हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है, मैंने दूध वाले भगोने में ही चाय रख दी है ज़रा सी। और इस तरीके की चाय किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मलाई वाले भगोने की चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इधर ये कुछ बर्तन पड़े थे जिनको मैं धोने में लगी हूँ, और हस्बैंड जी आए थे चाय लेने, तो उनको मैंने चाय दे दी थी क्योंकि चाय भी उबल गई है। और उसके बाद इधर मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए। तो मेरा शाम का व्लॉग है, इवनिंग रूटीन है, और दूध जो मेरा है वो मेरा दिन का ही रखा था, तो मैंने उसको जो है गैस पे रख दिया था और अपनी चाय गर्म की है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को स्कर्ट दिखा रही हूँ, वो जो मैंने लहंगा दिखाया था जानू का, तो बस इसको मैं काट के रखने वाली हूँ झोला बनाने के लिए। जो मैंने बैग दिखाया था सेम वैसे ही बनाऊँगी एक और, तो बस उसको मैं लेकर बैठ गई थी कि चलो मैं इसको काट के रख दूँ, क्योंकि फिर घर के कामों से क्या है टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बच्चे भी बैठे थे, बच्चे मौसी के यहाँ से वापस आ गए हैं, क्योंकि ये शाम का ही ब्लॉग है उसी दिन का जो मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था हलवे वाले दिन का, तो ये उसके उसी दिन का है शाम का ब्लॉग। तो यहाँ पे मैंने जानू की स्कर्ट को काट के मतलब खोल लिया था, और उसको मैं देख रही थी कि ये किस तरीके से बनेगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, तो अभी जो टाइम है वो है शाम का, बिल्कुल शाम के बज गए हैं 6, और मैंने अपनी वीडियो शुरू की है आज शाम में। तो मैं आज अपना शाम का इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो चाय बन चुकी है, बर्तन धोए हैं, और मैंने कपड़े भी डाले थे मशीन में, तो वो मैं डालूँगी छत पे जाके। और मैंने दिखाया था कि मैं इसका बैग बनाऊँगी, जानू का ये लहंगा रखा था तो इसको मैंने काट दिया है। इसमें जो ऊपर लगी थी ये बेल्ट प्लास्टिक लगी थी, तो ये मैंने अलग कर दी है, और ये लगी थी लेस, तो ये मैंने निकाल दी है। तो अब मैंने इसको काट के रखा है, देखो अभी तो आज तो नहीं बनाऊंगी, कल शुरू करूंगी इसमें जो भी मैं बनाऊंगी काटा पीटी कल ही करूँगी। तो शाम में बनेंगे कढ़ी चावल, और शाम का रूटीन शेयर करती हूँ आप सबके साथ में। तो चलो पहले मैं कपड़े डाल के आती हूँ छत से, शाम हो गई है, मैंने सुबह भी धुले थे थोड़े से और शाम में थोड़े से धुले हैं, तो वो पड़े हैं मशीन में, बस मुझे ड्रायर में डाल के सुखाने हैं और फिर छत पर डालने हैं। तो चलो चलती हूँ आप सबको लेके छत पर, और शाम के टाइम पे अच्छा लगता है छत पे जाना, चाय भी पी चुकी हूँ शाम की। और आजकल मेरी जो है ना पीठ में दर्द हो रहा है, तो मैं सिकाई करती हूँ दिन में गर्म पानी से, पता नहीं क्या हो रखा है, बैक पेन हो रखी है, तो इसको मैं सामने भी पानी भर के लाती हूँ सेकने के लिए, और सुबह दोपहर में भी। तो ये यहीं पर रखा है बैग, और कपड़े डालने से पहले मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं यहाँ पर घोल बना रही हूँ कढ़ी के लिए, मुझे पकौड़ियों के लिए चाहिए। तो क्या होता है, थोड़ी देर बना के रख दूँ तो पकौड़ियाँ अच्छी बनती हैं, थोड़ी सॉफ्ट बनती हैं, जब हम कढ़ी में डालते हैं तो थोड़ा अच्छे से फूल जाती हैं, तुरंत के तुरंत बनाओ तो थोड़ी सी जो है टाइट रहती हैं। तो मैंने घोल बना के रख दिया था, थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, और बस फेंट के मैंने रख दिया था साइड में। और ये देखो मैं इतने सारे कपड़े लेके आई हूँ बाल्टी भर के, और ये जो ढेर आप देख रहे हैं छत पर जो पड़ा है, तो ये सुबह का ही है, तो सुबह भी मैंने धुले थे और अभी भी धुले हैं थोड़े से। गर्मियों में अच्छा होता है शाम में कपड़े धोना, बढ़िया लगता है, तो किसी दिन जिस दिन ज़्यादा होते हैं उस दिन मैं शाम में धो लेती हूँ। तो आज शाम में मशीन लगाई थी, कपड़े डाल दिए हैं, और उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे, ऊपर वाली छत पे, क्योंकि नीचे वाली छत पे चारों तरफ से बंद हो गया है तो उतनी अच्छी हवा नहीं लगती है, और शाम के टाइम पे सच में बहुत गर्मी हो रखी है, बहुत उमस है। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आई हूँ, और ये ऊपर वाली छत पे जो है काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, हल्की सी भी लगती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। और फिर मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि मुझे खाना बनाना था, और यहाँ पर मैं थोड़े से करी पत्ते ले रही हूँ कढ़ी के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ शाम के खाने में कढ़ी चावल। बेसन मैंने घोल के रखा था, जब मैं कपड़े डालने गई थी ऊपर तभी मैंने घोल के रख दिया था बेसन, तो बेसन अच्छे से फूल गया है, खाली जो उसकी बना रही हूँ बेसन की। कई बार क्या होता है आलू प्याज की भी बनती है, लेकिन आज प्लेन बेसन की बन रही है। और कढ़ी बनेगी शाम के खाने में, चावल बनेंगे, सिर्फ कढ़ी चावल बनेगी आज। तो
पहले मैंने पकौड़ियाँ फ्राई कर ली हैं, उसके बाद मैं बना रही हूँ कढ़ी के लिए घोल। तो थोड़ा सा मैंने दही लिया है, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा नमक, हल्दी, तो बस ये तीन चार चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। और मिक्स करने के बाद, अच्छे से फेंटने के बाद, जिसमें मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी तो वो घोल भी मैंने अच्छे से धुल के डाल दिया है उसी में। और फिर मैंने डाल दिए ऊपर से थोड़े से मसाले। तो मुझे हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी जो मैंने फिर से ऊपर से डाली है, और उसमें मैंने एक छोटी जो है प्याज भी बारीक बारीक काट ली है, और थोड़े सी हरी मिर्च चार पांच चीर के। और बस इस तरीके से मैं छौंक लगाती हूँ, आप लोग किस तरीके से लगाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं टमाटर प्याज का तड़का नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ लगाती हूँ लाल मिर्च, धनिया, राई, जीरे का तड़का, जो कढ़ी में बहुत अच्छा लगता है। कढ़ी में तड़का लगा दिया, और कढ़ी को पकने में वैसे भी टाइम लगता है करीब पौन घंटे एक घंटे मान के चलो आराम से, कढ़ी जो है धीरे धीरे पकती है तो अच्छी बनती है। तो अभी यहाँ पर कढ़ी को पकते हुए भी करीब 30-35 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने उसमें डाल दी हैं पकौड़ियाँ, और पकौड़ियों को डाल के भी मैंने करीब उन्हें 10-15 मिनट पकाया था। उसके बाद ऊपर से मैं लगा रही हूँ देसी घी में हींग, करी पत्ते और लाल मिर्च का तड़का। तो लुक देख के बताइएगा कैसा लग रहा है, लुक जो है कितना यम्मी लग रहा है, देख के मुँह में पानी आ रहा है। और ये जो मेरी क्लिप है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, तो यहाँ पर सुबह के मेरे काम हो चुके हैं, साफ़ सफ़ाई हो गई है, और मैंने अपनी वीडियो की एंडिंग नहीं करी थी, तो मैंने कहा चलो भाई वीडियो की एंडिंग भी करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए, साथ में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।